हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कौस्तुभ मॉम्स किचन। तो आज हम बनाएंगे सूजी या रवा उत्तपम। तो चलिए करते हैं बनाना स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर गैस पर रखी हूँ एक छोटा सा पैन, जिसमें 2 बड़ा चम्मच रखी हूँ तेल और 1 छोटा चम्मच रखी उड़द दाल, थोड़ी सी जीरा और थोड़ी सी राई। अब गैस को करेंगे ऑफ, इसके बाद डालेंगे करी लीव्स, नहीं तो हमारी जल जाएगी तड़का। तो ये हो चुकी है रेडी तड़का। अब चलिए नेक्स्ट, ये यहाँ पर मैं रखी हूँ 1 कटोरी सूजी। ये देखिए हमारी सूजी पतली है, आप चाहे तो मोटा भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे आगे। तो मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी ली हूँ दही, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम, और 1 कटोरी जितना पानी। तो चलिए ये सबको मिक्स करके करते हैं ब्लेंड। तो ये हो चुकी है ब्लेंड, ये देखिए इसका ऐसा ही रहना चाहिए टेक्सचर, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी, नहीं तो तावा पर ये फैलेगी। तो मैं यहाँ पर निकाली हूँ एक बाउल में, इसके बाद डालेंगे जो पहले रखे थे ना तड़का बना के वही, और थोड़ी सी नमक स्वादानुसार, और यहाँ पर ली हूँ पैन, इसमें रख रही हूँ 1 चम्मच जितना ही घी। इसको अच्छे से फैला लेंगे तवा पर, और इसके बाद डालेंगे हमारे उत्तपम। बस एक साथ ही 4 ठो आ जाएगी तवा पर, और इसका लिड कर दी हूँ बंद बस 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, और इसको पलटा लेंगे और फिर से इसका कर देंगे लीड को बंद। यहाँ पर बस 1 मिनट ही लगेगा, और इसके बाद निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने सॉस के साथ किया है सर, आप चाहे तो चटनी के साथ भी कर सकते हैं। अगर आज की आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आज की रेसिपी। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।